अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बढ़ाएंगे। इस पर टीका टिप्पणी करने वाले अभी भी टीका टिप्पणी करते हैं, मगर मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि 2014 से 2019 तक ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की नींव रखने का काम भारत सरकार ने समाप्त कर दिया। और ये आज की बात नहीं, उन्होंने उसी दिन सोचा था कि भारत को कहां पहुंचाना है। और पीछे मुड़कर 5 साल के देश के अर्थतंत्र के अंदर जो परिवर्तन आया है उसको देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि किस प्रकार का एक मजबूत कंक्रीट नींव डालने का काम भारत के प्रधानमंत्री ने करा है और परिणाम भी मिले। अटल जी की सरकार गई 2004 में, तब देश का अर्थतंत्र दुनिया के अर्थतंत्रों की तालिका में 11th प्लेस पर था, 11वें नंबर पर था। 10 साल यूपीए की सरकार चली, 11 से टच का मस्त नहीं हुआ, यूपीए सिद्धि बना गिनाते थे यूपीए के लोग के नीचे नहीं गए। और एक 5 साल के अंदर 11वें नंबर पर से 6ठे नंबर पर छलांग लगाने का काम प्रधानमंत्री के लिए, और इस 5 साल के लिए लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री जी कि देश दुनिया के टॉप 3 इकोनॉमी के अंदर भारत का स्थान सुनिश्चित करने के लिए हम प्रयास करेंगे, और इसी में से $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का विचार है।